नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दी है? ये 2024, 2028, सी 2032 और डी है 2036। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023-24 का शुभंकर क्या है? ये जूही बिजारा, सी अपसु, डी कोको। इसका आंसर होगा ए जूही। झारखंड एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मैस्कट जो है ये हथिनी को बनाएगा और इस हथिनी का नाम है जूही और ये बेतला नेशनल पार्क की हथिनी है और ये बेतला नेशनल पार्क में हथिनी को 1984 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। छात्रों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के लिए पहचाने के लिए जो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में 11 नवंबर इनका जन्मदिन और इनके स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राणी भारत के जंगल में नहीं पाया जाता है? ए मगरमच्छ, बी बाघ और सी प्यूमा और डी है शेर। इसका आंसर होगा सी प्यूमा। अगला प्रश्न है, भूटान और बांग्लादेश के बीच में कौन सा देश आता है? ए नेपाल, बी इंडिया यानी भारत और सी म्यांमार, डी चाइना। इसका आंसर होगा भारत, इंडिया। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध को क्या नाम दिया है? ए ऑपरेशन क्लीन, बी ऑपरेशन आयरन सॉर्ड, सी ऑपरेशन हमास, डी ऑपरेशन फाइनल जजमेंट। इसका आंसर होगा बी ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ये प्रश्न मैंने लिए है, पिछला वीडियो में एक गलती हो गई थी, उसको इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। पिछला वीडियो में मैंने जो बताया था कि प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी, तो इसमें विदेशी छूट गया था, तो उसमें जोड़ना है सबसे विदेशी खिलाड़ी यानी ओवरसीज प्लेयर है जो प्रो कबड्डी लीग में रहे हैं। तो इसका आंसर मोहम्मद रेजा शादलो, ये ईरान के खिलाड़ी है, इसमें ये जोड़ना है, विदेशी खिलाड़ी जोड़ना है। देखिए इसमें लिखा है, जैसे प्रो कबड्डी लीग के PKL 10 जो है, इसमें सबसे जो महंगे खिलाड़ी है हमारे देश के ये पवन कुमार शेरावत है और विदेशी खिलाड़ी में है मोहम्मद रेजा शादलो है। टू टाइटन्स ने पवन जी को खरीदे हैं 2,60,00,000 और 5,000 में और पुनेली पल्टन ने खरीदे हैं सदलव को। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्र वृत्रासुर को मारने के बाद कमल के फूल में छिपे हुए थे तब अस्थायी रूप से इंद्र की गद्दी किसने संभाली थी? ए नहुषा, बी ऋषि दुर्वासा, सी चंद्रदेव, डी यमराज। इसका आंसर होगा ए नहुषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक तार वाले वाद्य यंत्र है? ए मंजीरा, बी डमरू, सी एकतारा, डी नाद स्वरम। इसका आंसर होगा सी एकतारा। अगला प्रश्न है, जय हेमंत किस बॉलीवुड अभिनेता का असली नाम है? ए रणबीर सिंह, बी टाइगर श्रॉफ, सी रणबीर कपूर, डी है वरुण धवन। इसका आंसर है बी टाइगर श्रॉफ। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।